लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्वेता उत्कल कुमारी आत्महत्या घटना परिवार लोकों अभियोग ब्लैकमेल रु झी कर आत्महत्या अभियोग आधार तीन सौ छह मामला रुजु कर तदंत कर पुलिस डायरी में पुरुष बंधु सौम्यजित नामक जन इंजीनियर को भल पाते उल्लेख करते श्वेता सौम्यजित महापात्र घर संबलपुर से भुवनेश्वर एक घर संस्था इंजीनियर भाव काम करती खुब शीघ्र पुरुष बंधु सौम्यजित महापात्र पचराउचरा कर पुलिस लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्वेता आत्महत्या घटन ब्लैकमेलिंग रु झी आत्महत्या करिवार लोके अभियोग पुलिस मामला रुजु कर तदंत आग को बढ़ाई डायरी पुरुष बंधु सौम्यजित महापात्र नाम पुलिस हाथ में लगी सौम्यजित महापात्र पचराउचरा बाबद पुलिस करने सूचना रोचे घटन जो डायरी रही से अनेक कथा से लिखिते श्वेता पुरुष बंधु ना को लिखिंट जहाँकि पुलिस हाथ में लगी जो ब्लैकमेलिंग कथा आसूसी ताकू खोलताड़ कर पुलिस आम सहित अधिक सूचनापी भुवनेश्वर रिपोर्टर मानस महापात्र अच्छा मानस जदि आम देखा गोटेपटे परिवार लोके आणुंट ब्लैकमेलिंग हिं झी आत्महत्या कर पुरुष बंधु नाम गोटेपटे डायरी में लिखाई जहाँकि पुलिस हाथ में लगी पुलिस एवं किभली भाव तदंत कर पुरुष बंधु को पचराउचरा किए बाबद देखो शैलश्री विहार अंचल एक भड़ा घरे महिला इंजीनियर श्वेता उत्कल कुमारी संदेहजन मृत्यु को नहीं बर्तमान चंद्रशेखरपुर पुलिस हाथ में लगी सुराग जो कथा काली ठारु चर्चा होता जे सहित पुरुष बंधु संपर्क था ब्लैकमेल करा सांघातिक अभियोग बर्तमान परिवार लोक आनी कारण परिवार लोकों कहवा कथा हे से गोटे इंजीनियरिंग संस्था काम करुले भल दरमा पाते जीवन में एभली किसी घटी नाला जहाँपाई कि चरम निष्पत्ति ने किंतु कारण ये जो आत्महत्या पछपटे गोटे पुरुष बंधु दायी और पुरुष बंधु ना सीधा सड़क फोन जोगे पर नहीं सौम्यजित महापात्र नामक जन युवक ना पर दर्शाई जो डायरी पुलिस हाथ में हस्तगत होती से जना पड़ी डायरी में से किसी जगार सौम्यजित महापात्र सदस्य टेलीफोन नंबर और दुई जन रिलेसन रिछ तथ्य बर्तमान पुलिस हाथ में लगी पुलिस बर्तमान गणमाध्यम सम्मुखें जेहेतु घटनार तदंत चली प्राथमिक तदंत चली से संपर्क में कहनी तेणु गोटे पटे तीन सौ छह मामला रुजु कर तदंत करुच्ची स्पष्ट कर खुब शीघ्र जे पुरुष बंधु रही सौम्यजित लक्षाधिक टंका दरमा पाउथला किंतु पुरुष बंधु जे थिले तुलनात्मक भाव से टंका पा नथिले तेणु अधिक टंका खर्च करुथिले जेतेबेले से झियो को विभिन्न समय रे पैसा मागुथिले जेतेबेले झियो पैसा दउनथिला विभिन्न प्रकार टॉर्चर करुथिले या सहित विभिन्न प्रकार पार्टी नाइट क्लब ए सब कथा मध्ये सामना को आसुची किंतु गोटे पटे तदंत चली प्रकृत पक्षे जो अभियोग परिवार लोक आनी केते दूर भित्ति अछि एहा केते दूर तदंत सापेक्ष ताको नहीं कि वर्तमान पुलिस तदंत चल आज मत पुलिस आपार्टमेंट को जाकि पचराउचरा कर जो परिवार सदस्य को डक अन्य पक्ष खबर मिली संबलपुर जो पुरुष बंधु कथा कहु पुलिस सहित जोजोग कर खुब शीघ्र हाजर होगा कहुई मानस कि जो डायरी कथा उल्लेख करचारि हे तो एटा सत हो पारे से टॉर्चर करथै पारंति किंतु तांको परिवार कहउचंती ब्लैकमेल करबा कथा उठउचंती सेमती डायरी रे किछि रहै छी कि कारण जदि सेमती किछि थिबो कारण ता पाई हे से ब्लैकमेल करतुए किंतु टॉर्चर करबा कथा आपण कहउचंती जे हुए तो से कम टंका पाउथले सेतमे से टॉर्चर करतुए कि बेलेबेल टंका मागतुए ब्लैकमेल कथा कोन डायरी रे थिला तांको परिवार आगरु जानिथिले ना केमिति से ब्लैकमेल कथा उठउचंती देखो पर सदस्य कहवा कथा और डायरी भितर से तालम वर्तमान सुधा रही कारण जहा जहा वर्तमान डायरी में मेनसन कर लाइफ तांकर विभिन्न प्रकार कहा सहित संपर्क थिला केबे तांकर सांगसाथी विषय से लिखिछन्ते किछि जन्मदिन संपर्क में पुलिस हस्तगत होइछि किंतु सेभली कोनोसी तथ्य वर्तमान जहाँ पुलिस कहुछि से सेभली किछि तथ्य मिलनी जे पुरुष बंधु कथा सत किंतु पुरुष बंधु निर्यातना संपर्क में ठोस प्रमाण वर्तमान तांकु मिलनी किंतु सोशल मीडिया हौ बा तांकर जो चैट गुड़िक रहिछि पुरुष बंधु सहित चैट सेगुड़िक हस्तगत होइछि समय रे पुरुष बंधु सहित पार्टी तुंडर चाट मिली
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ରାତିରେ ଦେଖା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାରଣ ଫୋନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏଇ ପୁଅରେ ନାଁଟି ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ପିଲାଟି ଆସି ଥାନାରେ ହାଜର ହେବେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ କି ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ କିଛି ଖୋଳତାଡ କରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କହିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏନେଇ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କଥା ଆଗରୁ କୌଣସି କହିନଥିବା ବା ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ସେଭଳି କୌଣସି ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉଦାସ ରହୁଥିଲା, ଯେ ସେଇ ପୁଅଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅପଡେଟ୍ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଅପସେଟ୍ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅପସେଟ୍ ରହିବାର କାରଣ କଣ? ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି? ଏ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ 306 ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ। ନିହାତି ମାନସ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ଯିଏ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ 306 ଏହି ମାମଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇଛି।